गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा वन के पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 रसोई घर। आप सब जानते हो ना रसोई घर। रसोई घर किसे कहते हैं? किचन को। तो चलिए आज हम रसोई की कविता पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों आप सभी मेरे साथ पढ़िए। रसोई घर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। गाजर मूली प्याज टमाटर छिलो काटो रखो सजा कर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो चलिए मैं आप सबको इसका अर्थ समझाती हूँ। यहाँ पे कवि क्या बोल रहा है? आज रसोई की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। आज किचन की खिड़की मुन्ना मुन्नी ने खोल रहे हैं और उन्होंने अंदर देखा कि चकला बेलन और चाकू और छलनी बोल रहे हैं। आप लोग देख रहे हो ना, ये चित्र में चकला बेलन जिसमें हम लोग रोटी बनाते हैं वो अंदर में बोल रहे हैं और चाकू और छलनी भी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। गाजर मूली प्याज टमाटर छिलो काटो रखो सजा कर। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है? कह रहा है मैं हूँ चाकू। ये कह रहा है कि मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ और सब्जी को टुकड़ा टुकड़ा करके सबको बांटू। गाजर मूली और प्याज टमाटर को छील के मैं उसको अच्छे से सजा कर रखूँ। देख रहे हो ना कैसे सजा कर रख रहा है? चाकू से हम लोग काटते हैं कि नहीं काटते हैं, और जो साइड में दिया हुआ है इससे हम आलू ये सब छीलते हैं। आलू हो गया, गाजर हो गया, इसे हम छीलते हैं और इससे हम काटते हैं। देखो कैसे सजा के रखा है काट के। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है गोल चांद सी मैं हूँ थाली। ये देखो थाली कैसा होता है? गोल चांद के समान होता है ना। कह रहा है कि मैं गोल चांद के समान हूँ जो बज सकती हूँ बनकर ताली, और अगर इसे बजाओ तो इससे आवाज़ें भी आती है कि नहीं? आप इसे बजाओ तो यहाँ से आवाज़ें आती है। और मुझ में रोटी सब्जी आप लोग डाल के अच्छे से खा सकते हैं और यहाँ पर आप लोग झटपट खा सकते हैं। तो बच्चों आप सभी इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। बाय बाय।